और मोदी मुर्दाबाद कहेंगे, फिर गुलबर्गा से हम ये ऐलान भी करते हैं गो बैक मोदी, हम हर टाइम इसके खिलाफ एहतजाज होता रहेगा। गुलबर्गा में जैसे प्रधानमंत्री जो प्रचार मंत्री हैं भारत के, जो बीजेपी का प्रचार काम करते घूमते हैं, वो गुलबर्गा के विजिट पे थे, जो उनका दौरा था गुलबर्गा। आज गुलबर्गा की जनता, खास करके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, कर्नाटका किसान सभा, एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन, दलित हक्कूगढ़ा समिति और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कर्नाटका पीपल्स फोरम वगैरह जो है, सभी शामिल होकर जो है इस जमहूरियत को बचाने के लिए सेफ डेमोक्रेसी सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है बीजेपी के नीतियों का, बीजेपी सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए मोदी के विजिट के दौरान प्रोटेस्ट करा, जगत सर्कल पे एक ऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ पे जिस तरीके से आज प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पुलिस ने सारे लीडर्स को, सारे लोगों को, जनता को जिस तरीके से अरेस्ट कर, डिटेन कर कर या ग्रामीण पुलिस स्टेशन पे लाई है, ये सीधा सीधा जो है इस डेमोक्रेसी के ऊपर हमला है। प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना डेमोक्रेटिक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन इसकी पूरी गारंटी देता है कि लोग अपने गुस्से का इजहार करें, प्रोटेस्ट करें, एहतजाज करें, डेमोंस्ट्रेशन करें, गवर्नमेंट की नीतियों के खिलाफ प्रोटेस्ट करें, आवाज़ उठाएं, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर बोलता है। लेकिन मोदी की राज में जो तानाशाही चली है, वो तानाशाही का नतीजा ये है कि प्रधानमंत्री गुलबर्गा का आना और गुलबर्गा की जनता को, किसानों को, कृषि कुलीकार को, दलित संगठन के नेताओं को, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स को, कर्नाटका पीपुल्स फोरम के लोगों को अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है। हम इसको कंडेम करते हैं और मोदी मुर्दाबाद कहेंगे, फिर गुलबर्गा से हम ये ऐलान भी करते हैं गो बैक मोदी, हम हर टाइम इसके खिलाफ एहतजाज होता रहेगा। और साथ ही साथ जिस तरीके से बीजेपी की नीतियां जो चली हैं, जिस तरीके से बीजेपी की जो राजनीति चली है, ये चोरों की सरकार है। जैसे सबको पता है, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का जो जिस तरीके से अभी भांडा खुल रहा है, जिस तरीके से राज निकल रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी सरकार उसूली गैंग फिरौती उसूली करी है कंपनियों से, वो छुपाने के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड का नाम देकर उसको छुपाया जा रहा था।
इसी तरीके से प्रधानमंत्री पीएम केयर की भी इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री कोई एक शख्स का नाम नहीं है, कोई एक इंडिविजुअल आदमी नहीं है, कोई एक इंसान नहीं, बल्कि इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठने वाले जिम्मेदार इंसान का नाम है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की कुर्सी का इस्तेमाल करके जनता का धन लूटना, जनता के नाम से डोनेशन कलेक्शन करके उसको जनता को हिसाब नहीं देना, ये भी चोरी है। इसके लिए प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये फकीर आदमी जो बोलते रहे, भिक्षा मंग के खाते रहे, 35 साल भिक्षा मंग के खाए, 35 साल जनता पे बोझ, जहाँ पे भिक्षा मंग के खाते रहे, पिछले 25 साल से सत्ता में है, जनता के टैक्स का पैसा खा रहे हैं, अब 10 साल से जनता को चोरी करना, लूटना, ये मोदी सरकार की नीतियाँ बनी हुई है, ये मोदी की नीति चली हुई है। हम गुलबर्गा से ये नारा देते हैं, गो बैक मोदी, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी गवर्नमेंट मुर्दाबाद।